नमस्कार दोस्तों, मोरपिन लैब शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.09% की गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में यहाँ पर गिरावट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है काफ़ी लोगों के मन में, क्या और भी गिरावट आएगा या तेजी आएगा? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे स्टॉक यहाँ से अपना जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग देता है, तो अगर नीचे आता है तो और क्या टारगेट रहेगा, सॉरी सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, अगर ऊपर जाता तो टारगेट क्या रहेगा, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हो स्टॉक अभी एग्जैक्टली जहाँ पर रुका हुआ एक सपोर्ट लाइन है। तो पहले क्या था देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहे हैं। और अगर हम RSI की बात करें, RSI भी कहाँ पर है ना, 64 पे है, मतलब कि ओवरबॉट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से समझेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस भी दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में, अगर आप कैंडल को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ले लिया आपको चार्ट को लगाया, और यहाँ पर देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड में भी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक अभी सपोर्ट जोन पर है, तो इनकेस अगर इसको ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन अभी तक किया नहीं है, अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा। बाकी अभी के कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम संभावना तो ये रह सकता है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन इनकेस अगर इसको ब्रेकडाउन करते तो अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर की साइड की अगर बात करें रेजिस्टेंस लेवल हमें देखना चाहिए जो कि 100.5 पर है। जब ये 100.5 को ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें एक बड़ी छलांग देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद अगर कोई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर कोई मोमेंटम कैंडल दिखता है तो भी आपको बड़ी छलांग दिखा सकता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल आ रहा है कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो एजुकेशन पर्पज में है, स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में ही है। धन्यवाद।